इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिमिलैक आइसोमिल फॉर्मूला हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फॉर्मूला प्रिपेयर करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि हम अपने हाथों को अच्छे से धो के साफ कर लें, और दूसरा जिस भी जगह हम फॉर्मूला बना रहे हों वो जगह प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए। तो फॉर्मूला प्रिपेयर करने के लिए हमें एक स्टरलाइज फीडिंग बॉटल चाहिए। तो ये रही मेरी फीडिंग बॉटल, जिसे मैंने अच्छे से 5 मिनट तक गर्म पानी में उबाल के स्टरलाइज कर लिया है। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है पानी। इस पानी को हमें अच्छे से उबाल लेना है 5 मिनट तक, और उसके बाद इसे रूम टेम्परेचर पे आने देना है। तो दोस्तों, आइसोमिल बनाने का रेशियो ये है कि हर 60 ml पे हमें एक स्पून फॉर्मूला लेना है। ये इंस्ट्रक्शंस यहाँ हमें पीछे भी दिए गए हैं, आप इसे रिफर कर सकते हैं। तो अब हम बनाएंगे अपना फॉर्मूला मिल्क। तो इसके लिए मैं 60 ml पानी लूँगी। तो मेरी बॉटल में आप देख रहे हैं यहाँ मार्किंग स्केल बना हुआ है, तो मैं 60 ml पानी ले लेती हूँ। तो दोस्तों, ये हमने 60 ml पानी ले लिया है। अब इसमें हमें एक स्पून फॉर्मूला मिल्क डालना है। तो इसके अंदर जो हमें स्पून मिला है उससे ही हमें फॉर्मूला मेजर करना है। तो ये मैंने एक स्पून लिया। जब भी आप फॉर्मूला बना रहे हो तो आप इसे ठीक से लेवल कर लीजिएगा, क्योंकि ना हमें ज़्यादा डालना है और ना कम डालना है। तो ये हमने अपना फॉर्मूला पाउडर पानी में डाल दिया है। अब हम इस बॉटल को बंद करके अच्छे से शेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला मिल्क प्रिपेयर हो गया है। इसे हम अपने बेबी को पिला सकते हैं। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर फीडिंग के बाद आपका फॉर्मूला बच जाता है तो आप कोशिश करें कि आप उसे 1 घंटे के अंदर अपने बेबी को पिला दें। आफ्टर दैट आपको फॉर्मूला स्टोर नहीं करना है, आपको उसे डिस्कार्ड कर देना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर पेरेंटिंग एंड चाइल्ड केयर वीडियोज। बाय बाय।